एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ बाढ़ की तबाही। खगड़िया के लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें, आज खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड के 5 किलोमीटर के पास से नाव खुली थी मुंगेर जिले के टीका रामपुर के लिए, लेकिन किसी को यह अंदाज़ा तक नहीं था कि तेज आंधी आ जाने की वजह से नाव गंगा नदी में समा जाएगी। वहीं कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर तैर कर बाहर तो निकले। उन लोगों का माने तो नाव में करीब 30 से 40 लोग सवार थे, लेकिन अब तक पता नहीं चल पा रहा है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है कि आखिरकार सवार कितने लोग नाव में थे। वहीं SDRF की टीम मौके पर पहुंचकर खोजबीन करने में जुटी है। वहीं खगड़िया के SP व DM खुद मौके पर पहुंचकर तफ्तीश कर रहे हैं। वहीं नदी में डूबने वाले परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वो चीख चीख कर रो रहे हैं। सामने नजर के सामने भी होते हैं, रात्रि के 12 बजे तक SDRF की टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है, लेकिन लगातार खोजबीन जारी है। नाव में भारी संख्या में लोग बैठे हुए थे। वहीं स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, कैसे क्या घटना घटी, जरा सुनिए। और सनप्रसाद था और देवन टोल का और यकनिया का और कुर्मी टोल का। कैसे डूबा है, कैसे लोग जा रहे हैं? लोग सब यहाँ इकट्ठा था, सब नाव पे चढ़ गया या उधर से आंधी तूफान लगाया पूरब से और नाव खोल दिया, बस वही नदी में झपट मरा वो डूब गया। नाव पर कितने लोग सवार थे? 35 आदमी। कितना लापता है अब ये पता नहीं है, नहीं पता कितना है, कितना ऊपर हुआ या बंधेरा में, हमको तो पता नहीं है कितना। जिस नाव से आ रहे थे वो नाव क्या इस पार में डूबा था कि उस पार में? बीच नदी में डूबा था। कितना आदमी नाव पर सवार थे? 40 आदमी। मना कर रहे थे, नाव मत लो, झपट आ रहे हैं। नाव किसका था? नाव पता नहीं का, रंजित का था। रंजित का नाव, रंजित का था, सोनबरसा का, सोनबरसा का था। सोनबरसा का निश्चित था। तो लगभग कितना आदमी डूब चुका होगा? करीब करीब 20 आदमी कम से कम डूबा होगा। 20 आदमी डूब चुका है। और तैर करके कितना आदमी आया? टीकापुर का बस 3 आदमी तड़का आया। तो आपका नाम क्या हुआ? अमृत महतो। अमृत महतो। तो एक सुलेन महतो आया है। एक सुलेन महतो, सुलेन महतो का पत्नी, एक लड़का डूब गई आपके सामने में, सामने डूबा है। आपने देखा? देखे। आधिकारिक तौर पर अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आ पाई है। देखना लाजमी है कि SDRF की टीम को कब तक सफलता हाथ लगती है और पता लग पाता है कि आखिरकार नाव पर कितने लोग सवार थे और कितने लोगों की डूबकर मौतें हुई। अब जिला प्रशासन के उन बयानों का इंतज़ार है। बहरहाल लगातार गंगा नदी व बूढ़ी गंडक में जल में बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ कोरोना के संग में लोग डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो वहीं बाढ़ की भी तबाही से लोगों को अब झेलना पड़ रहा है। वहीं बहरहाल देखते रहें बोलता खगड़िया। अगर हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, Facebook पे ज़रूर लाइक कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। हॉलमार्क 916 एवं 750 का सोना एवं चांदी की 100% गारंटी। फैंसी आभूषणों के लिए हमारे यहाँ पधारे। पता है नूतन ज्वेलर्स, मील रोड नियर रिलायंस टावर, आँख के डॉक्टर सतीश कुमार जी के बगल में, खगड़िया।